Hey, hi everyone, Radhe Radhe to all of you, and it's Satabdi and welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में ना मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आई थी और इंस्टाग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे उस रिलेटेड. सो दिन में जो चल रहा है वीडियो में आपको तो पता ही चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ दिन भर. एंड ये जो क्वेश्चंस थे मेरे पास अभी इतने टाइम नहीं है कि मैं इन सारे चीज़ों के बारे में एक सेपरेट सी वीडियो बना देती अगर मेरा मेंस आगे नहीं होता तो. एंड ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज की ब्लॉग वाली वीडियो में मैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी के ऊपर बात कर लूँ. तो अगर आपको मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो आप आज की वीडियो स्किप कर सकते हो, इसमें कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है. तो फास्ट क्वेश्चंस जो मुझे आए थे एनसीईआरटी को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मुझे कमेंट में भी थे एंड इंस्टाग्राम पे भी थे. तो अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एनसीईआरटी इज़ द मस्ट फॉर यूपीएससी. इनिशियली क्या हुआ था कि जब मैंने कोचिंग करी थी, हाँ मैंने जीएस का भी कुछ चीज़ें कोचिंग में कम्प्लीट करी थी, तो उन्होंने बोला कि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा दी है तो आपको ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी करने की. लेकिन जब मैंने खुद से बैठ के क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर की, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो नोट्स में नहीं थे कोचिंग के. एंड जब मैंने एनसीईआरटी एक बार खोल कर देखा, क्योंकि ख़रीद के तो मैंने भी रखी थी, तो मुझे वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ही मिल रही थी. एंड ज्योग्राफी के लिए मेरे हिसाब से आज तक एनसीईआरटी से अच्छा बुक और कोई नहीं है. काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी से ही आपकी हो जाएगी, और एनसीईआरटी से ही मैंने नोट्स बनाए ज्योग्राफी की. एंड आपको सारी एनसीईआरटी करनी नहीं होती है, जैसे कि अगर आपके पास 2 to 3 years है, मतलब आप ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो एंड अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, देन यू कैन स्टार्टेड विथ 6th to 12th एनसीईआरटी आप सब कर सकते हो. लेकिन जैसे हिस्ट्री की, अगर आप पुराने वाली एनसीईआरटी की कर लेते हो तो वहाँ से हो जाएगी, नई वाली में इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं. लेकिन ज्योग्राफी की आप नई वाली कर सकते हो, पॉलिटी की नई वाली कर सकते हो एंड इकोनॉमी की नई वाली कर सकते हो. और इकोनॉमी की तो आपको काफ़ी सारे समरी वाली वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब से. आई थिंक हिस्ट्री पॉलिटी सबकी अवेलेबल होगी, लेकिन मैंने इकोनॉमी की थी समरी वाली वीडियो यूट्यूब से, तो वहाँ से मुझे आइडिया हो गया था कि नोट्स कैसे बनानी है एनसीईआरटी से. तो अगर आप बिगिनर हो, आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एनालिसिस वाले वीडियो एक दो देख लो यूट्यूब से. एक दो क्यों, मतलब अच्छी एनालिसिस अच्छी वाली टीचर्स जो होती है, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स की नैनकी मैम की थी, तब वो स्टडी आई क्यू में थे एंड उनकी सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल भी हैं. तो उस चीज़ें ना वो आप मतलब उन सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो. एक बार जब आप क्लासेस अटेंड कर लेते हो, यूट्यूब में फ्री में ही है, तो क्या ही मतलब आपको दिक्कत आए कि वहाँ से कर लो एक बार. अगर एक सब्जेक्ट की भी आप कर लेते हो, देन आपको आइडिया हो जाती है कि ये चीज़ें हमें नोट करनी है. एंड जब एक बार एनसीईआरटी पढ़ के ना ऐसा लगता है कि हमको सब समझ में आ गया है, और दोबारा में हम सोचते हैं कि उसको रट्टा मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने पहले क्लासेस लगाई थी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी थी. ओके, तो मुझे पहली बार में ही अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि मुझे ये चीज़ें नोट डाउन करनी है. अगर आप विदाउट कोचिंग एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि पहली बार बस पढ़ने के लिए पढ़ लो, दूसरी बार थोड़ी सी आप सिलेबस के साथ इंटीग्रेटेड करके पढ़ लो, तीसरी बार तक आपको आइडिया आ जाएगी कि पूरी एनसीईआरटी की नोट नहीं बनानी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि पॉलिटी की, तो मैंने सिर्फ क्लास 12th की एनसीईआरटी की थी, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ी थी. तो जब लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ ली, तो वहाँ पे सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत से ही मैंने नोट बनाई थी. एंड वैसे लक्ष्मीकांत का ज़्यादा नोट्स तो मैंने नहीं बनाए, कुछ कुछ चीज़ों के ही बनाए, क्योंकि वो इटसेल्फ है नोट है, उसको और सॉर्ट करके क्या ही लिख सकते हैं हम. लेकिन अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें की डेफिनेशन चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से ही मिल सकती है. और एक चीज़ एनसीईआरटी की ये है कि आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, और मेंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ. तो जब मैं ऐसे लिख रही थी या फिर ट्राई कर रही थी, तो उसमें ना एनसीईआरटी के काफ़ी सारे कंटेंट आप एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्टोरी के लिए दिया गया है ना, तो अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी डीप हो जाती है आपकी. तो एनसीईआरटी को आप 2-3 बार पढ़ के उसके बाद नोट्स बना सकते हो, या फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसकी जो समरी वाली बुक आती है उसको आप देख सकते हो, एंड उसके नीचे भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो क्वेश्चंस करके देख सकते हो कि आप कितने ज़्यादा उस टॉपिक के डेप्थ तक गए हो.
सो आई होप इतना काफ़ी होगा एनसीईआरटी को लेके। अगर फिर भी आप, हाँ लेकिन ये एक चीज़ मत करना कि डायरेक्ट वो समरी वाले बुक में मत जाना, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल ही होती है। अगर एनसीईआरटी की समरी पढ़ने से हो जाता तो एनसीईआरटी आज तक बहुत सारे टॉपर्स आज भी एनसीईआरटी प्रीफर करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा रिच है। सो या अगर और कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल लव टू आंसर। तो आज काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद मेरा दिमाग फिर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी ये टैब पकड़ के वहाँ पे एक विज़न बोर्ड बना रही थी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि कुछ डिज़ाइन करूँगी, लेकिन दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बनाऊँ। मैंने कभी डिजिटल आर्ट वगैरह बनाए नहीं है, मुझे सीखने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा है, लेकिन अब टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी है तो नहीं कर सकते। तो मैंने ये विज़न बोर्ड बनाई जो मुझे ईयर की स्टार्टिंग में बनानी थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी। एंड सैम को वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड बारिश हो रही थी, तो मैंने ये रोस्टी बनाई क्योंकि मेरे पास एक रोज़ पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो इसे बनाते हैं, क्योंकि रोस्टी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने उड़ीसा में एक बार पी थी, लेकिन मेरी वाली उतनी अच्छी नहीं बनी। मतलब पता नहीं, शॉप में शायद वो लोग डालते होंगे एसेंस वगैरह, मेरे वाले में उतना ज़्यादा स्मेल नहीं आया। टेस्ट में हाँ थोड़ी सी आई थी, डिफरेंट टेस्ट। तो चाय पीते पीते ही मैं ऐसे एक कर रही थी जो मैं पहले कर रही थी, लेकिन अभी उसको देख रही थी कि और क्या ऐड कर सकती हूँ उसमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे को मैं कैसे एनालाइज़ कर रही हूँ। मैंने फिलोसोफिकल ऐसे काफ़ी कर ली थी, एंड अभी फैक्चुअल ऐसे स्टेट पीसेस में भी आना बंद हो गई है हमारी, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आ गई तो क्या कर सकते हैं। फैक्चुअल जब मैं बोल रही हूँ, मतलब ऐसे वाले टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन सारे टॉपिक्स। तो मैंने एक ऐसे का टेस्ट खुद से दी थी, खुद से उसको क्या बोलते हैं, एक बार देख लिए कि क्या क्या लिखा है, कैसे लिखी हुई है। तो मैंने अपनी दोस्त को भी दे दी थी कि तुम थोड़ी देर देख लो कि तुमको कैसे लग रहा है, लैंग्वेज सही है कि नहीं, और क्या ऐड कर सकते हैं। और तब तक मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने खुद के लिए पास्ता बना ली, क्योंकि और शाम को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, एंड ये मेरी डिनर भी हो गई आज के लिए, रात को नहीं खाना है मुझे और कुछ। तो ये मैं ऐसे ही जो जो चीज़ें मैं एनालाइज़ कर रही थी इसको वहीं पर भी लिख दे रही थी, ताकि दोबारा जब मैं पढ़ूँ यहाँ से ही पढ़ लूँ, और रिवाइज़ करने के लिए भी इजी होगी अगर एक जगह पे होगी। एंड फिर मैंने न्यूज़पेपर करी, क्योंकि उसको स्किप नहीं कर सकते। हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि न्यूज़पेपर खुद से कर लो तो करंट अफेयर्स की आधा लोड कम हो जाती है, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएगी मेंस में कोट करने के लिए, एज वेल एज एसे में कोट, मतलब हाँ मेंस की एसे में कोट करने के लिए। और चीज़ें ये है कि मैं पिछली बार सोच रही थी कि मैगजीन से ही सारी चीज़ें करूँगी, मतलब पिछले साल में, लेकिन मैगजीन पकड़ के बैठना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग वाले काम है मेरे लिए। सो हर दिन छोटे छोटे स्टेप अगर लोगे तो लास्ट तक इतना ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। बर्डन क्या बोल रही हूँ मैं। सो आज के लिए बस इतना था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द व्लॉग। थैंक यू।